हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। रीजनिंग का हिंदी में अर्थ होता है मानसिक योग्यता, इसे हम तर्क शक्ति भी कहते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल में से फुल अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। हम PTET और BSTC इन दोनों को लक्ष्य मानते हुए इनके सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को बारी बारी से हल करेंगे। पहले हम इनके प्रत्येक टॉपिक के बारे में बताएंगे, फिर बाद में विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रत्येक कंपटीशन में, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आ जाए टॉपिक तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो भूला नहीं जाता, और हम ऐसे कोशिश करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक को ऐसे समझाएंगे कि आप भूल नहीं पाओगे और एग्जाम में अच्छे से करके आओगे, एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे। PTET और BSTC में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, ये 150 अंक का होता है, और हम कोशिश करेंगे कि पूरे में से पूरे 150 अंक लेकर आए रीजनिंग में। रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आते भी हैं और हमें लेके भी आने हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सभी के फुल में से फुल नंबर आएंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेहनत मांगता, आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। एक मोटिवेशन लाइन है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए। जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करें। अभी PTET और BSTC के एग्जाम लगेंगे, उनके लिए हम आपके लिए क्लासें लेके आ रहे हैं, आप अध्ययन करते रहिए। हम इनके प्रत्येक टॉपिक के बारे में बताएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे लिख दिए गए हैं, और अन्य जो भी टॉपिक है उनके बारे में भी बताया जाएगा आपको। पहला टॉपिक है पहला टॉपिक श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होता है। श्रृंखला परीक्षण सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसमें श्रृंखला परीक्षण में कुछ अक्षरों या संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है, इसे श्रृंखला परीक्षण कहा जाता है। इसको हम आगे अच्छे से विस्तार से पढ़ाएंगे। दूसरा टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता सादृश्यता को समानता भी कहा जाता है। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। समानता जैसे तत्व हुआ, वस्तु हुई, घटनाएं हुई, क्रियाएं हुई, स्थान हुए, उनमें अंतर करना ही क्या है सादृश्यता। जैसे तत्व हुए या वस्तु हुई, कोई घटना हुई, क्रियाएं हुई, स्थान हुए, इनमें अंतर करना ही क्या होता है, सादृश्यता। इनके सार्थक अर्थों को या व्यापक अर्थों को, जो जैसे तत्व, वस्तु ये और स्थान, इनके शब्दों के व्यापक अर्थ को समझना होता है और उनमें अंतर करना होता है, उसे ही सादृश्यता कहा जाता है। उसी प्रकार तीसरा टॉपिक है विजातीय। क्या है विजातीय? विजातीय चार या पांच शब्द होते हैं। इसमें क्या होता है कि चार या पांच शब्द लिए जाते हैं, उनमें से एक अलग होता है और अन्य समान होते हैं, किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं आपस में, और एक अलग होता है, उस एक को पहचानना होता है, इसे ही विजातीय कहा जाता है, जो अलग जाति का होता है। विजातीय का मतलब, जाति का मतलब एक जाति का, और विजातीय का मतलब अलग जाति का। बहुत सारे मतलब चार पांच शब्द होते हैं, उनमें से एक विजातीय जाति का होता है, और चार किसी न किसी प्रकार से एक ही जाति के, एक ही समान, किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं, उसे विजातीय कहा जाता है। चौथा टॉपिक है सांकेतिक भाषा। क्या होता है सांकेतिक भाषा? सांकेतिक भाषा का मतलब जैसे हम संकेतों से बताते हैं या इशारों से बातें करते हैं विद्यार्थियों से,
और जैसे उनको खड़ा करना, ऐसे संकेतों में बताते। उसी प्रकार रीजनिंग में भी होती है सांकेतिक भाषा, जिसमें शब्दों को सांकेतिक भाषा जिसे हम संकेतों के माध्यम से बताते हैं या समझाते हैं, उसी प्रकार से रीजनिंग में भी ऐसे शब्दों सांकेतिक भाषा में शब्दों को उनके मूल रूप में लिखने के स्थान पर किसी अन्य भाषा में या संकेतों के रूप में लिखा जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हम इशारों में जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करके संकेतों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार रीजनिंग में भी ऐसा ही है कि उनके मूल रूप में नहीं लिख कर किसी सांकेतिक भाषा के रूप में लिखा जाता है, फिर उसमें विद्यार्थी या हम उसमें बताते हैं कि इसमें क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, इसलिए इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसी प्रकार पांचवा टॉपिक है दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण, इसमें चारों दिशाओं का ज्ञान का चारों दिशाओं का परीक्षण किया जाता है, ज्ञान का पता लगाया जाता है कि बच्चों को दिशाओं का ज्ञान है कि नहीं, कैसे क्या करना है। ये हम आज का टॉपिक ये रहेगा दिशा ज्ञान का परीक्षण। इसमें दिशाओं का ज्ञान का पता लगाया जाता है, जैसे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। अभी इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कैसे इसको याद रखेंगे। जैसे उत्तर दक्षिण तो हम हर कोई याद रख लेता है, लेकिन पश्चिम और पूर्व में कन्फ्यूजन होता है। इसको हम विस्तार से जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे दिशा ज्ञान परीक्षण, तब विस्तार से बताएंगे कि इसको कैसे याद रखा जाए। छठा टॉपिक है रिश्ता, रिश्ता संबंध। यह जो रक्त संबंध होता है, जो हमारे संबंधित होते हैं सगे संबंधी, उनको उनके बारे में पता लगाया जाता है। जैसे कि हमारे मम्मी से संबंधित कौन है, पापा से संबंधित कौन है, इसमें दो व्यक्तियों के मध्य संबंध बताया जाता है कि ये हमारे चाचा है या मौसा है या उसके सापेक्ष बताया जाता है। छठा टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख में क्या होता है कि किसी भी वस्तु को या देश को या व्यक्ति को किसी भी आकृति के माध्यम से समझाया जाता है, उसे वेन आरेख कहा जाता है। जैसे कि एक वस्तु है उसको त्रिभुज से समझा दिए, किसी मानव को आयत से समझा दिया, किसी कल रंग को वर्ग से समझा दिया, ऐसे समझाया जाता है, इसे वेन आरेख कहा जाता है। आठवा टॉपिक है घन, घनाभ और पाशा। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। घन, घनाभ और पाशा ये त्रिआयामी आकृति के होते हैं। इनमें 6 फलक होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोने होते हैं। 12 भुजाएं, 6 फलक होते हैं, 12 भुजाएं होते हैं, 8 कोने होते हैं। इसको हम इसमें बताया जाता है कि इधर इधर क्या है, इधर क्या है। इसमें 6 फलक होते हैं, फलकों पे कुछ आकृतियाँ बताई बनी होती हैं, फिर इनसे एक प्रश्न बनाए जाते हैं और फिर बाद में पूछे जाते हैं। ये आकृति जैसे घन व घना, पाशा, इनकी सब क्या आकृति है, इसी प्रकार की होती है। अगला टॉपिक है वर्ग एवं त्रिभुज। इसमें कुछ आकृतियाँ दी जाती हैं, जैसे कि कुछ भी हो उनको जोड़ जोड़ के और वर्ग या त्रिभुज बनाया जाता है। इसको हम जब करेंगे, इस टॉपिक को जब आगे करेंगे, तब हम अच्छे से प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। अगला टॉपिक है समय परीक्षण, घड़ी। इसमें हमें समय का ज्ञान होता है। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होती हैं, कितने सेकंड होते हैं, सेकंड होती हैं। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है समय परीक्षण में, घड़ी वाले क्वेश्चनों में। इनके क्वेश्चन बहुत सारे आ भी जाते हैं, कभी कभी एक दो भी आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि समय घड़ी में, इसमें समय भी पूछा जा सकता है कि एक दिन में कितना समय होता है, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, या फिर इनके जो सुइयें होती हैं दो, उनके मध्य के कोणों के बारे में पता लगाया जा सकता पूछा जा सकता है। इतने से इतने समय के मध्य कितना कोण होगा, ये सब पूछा जाता है। ये हम विस्तार से जब पढ़ेंगे टॉपिक, तब विस्तार से बताएंगे। अगला टॉपिक है कैलेंडर। इसके अंदर हम वर्ष के बारे में बताएंगे, दिनों के बारे में बताएंगे, सप्ताह के बारे में बताएंगे। कैलेंडर के अंदर हम दिनों के बारे में बताएंगे, महीनों के बारे में बताएंगे, वर्ष के बारे में बताएंगे, वर्ष महीने दिन इनके आपसी संबंधों के बारे में बताएंगे। कितने वर्ष में कितने दिन होते हैं, जैसे कि 4 वर्षों में जो कोई भी वर्ष है उसके अंत में 4 का भाग चल जाता है, उनमें कितने फरवरी कितने दिन की आती है, कितने क्या होते हैं, वो सब विस्तार से बताएंगे बाद में। अगला टॉपिक है 12वां, आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करना, जैसे कि कोई भी आकृति दे दी जाती है बहुत सारी, जैसे त्रिभुज दे दिया, इसमें बहुत सारी आकृति और दे दी, जैसे ये दे दिया। अब इसमें त्रिभुज जो गिना जाता है ये 1 2 ऐसे,
इनको इनको कहते हैं आकृतियों की गणना करना। इसी प्रकार जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, ऐसे आकृतियां दे दी जाती हैं और फिर उनमें पूछा जाता है कितने वर्ग हुए, कितने त्रिभुज हुए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये हम विस्तार से अच्छे से बताएंगे आपको, ऐसे बता देंगे जैसे कि आप कभी बाद में भूल नहीं पाओगे, ऐसे बताएंगे, अच्छे से विस्तार से बताएंगे। अब अगला टॉपिक है शब्द निर्माण। इसमें मस्तिष्क की क्रिया बहुत मानसिक मतलब एकता, मानसिक एकता होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें जैसे कि कोई शब्द दे दिया जाता है और उनमें से एक सार्थक शब्द ढूंढा जाता है कि इसमें कौन सा सार्थक शब्द है। इसमें एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे दे दिया जाता है कि कोई भी शब्द दे दिया है उनमें से कोई मीनिंग बनाया और वो अक्षर पूरे उस शब्द में होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो गलत होगा, है तो वो सही होगा। इसी प्रकार अगला है 14वां, आकृतियों को पूर्ण करना। आकृतियों को पूर्ण करना ऐसे जैसे कि कोई भी आकृति दे दी जाती है, पहले ये दे दिया, फिर इसके बाद में ऐसे करके ऐसे दे दिए, फिर इसके बाद में ऐसे करके ऐसे दे दिए, फिर बाद में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दे दिए, अब आगे कौन सी आकृति आएगी तो उसको हम पूर्ण करेंगे, तो इसके बाद में ऐसे आकृति आ जाएगी, ऐसे करके ये तो हो गया और उसके बाद में ये भी हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार से आकृतियों को पूर्ण करवाया जाता है, ठीक है, आकृतियों को पूर्ण करना। अगला टॉपिक है सन्निहित आकृतियाँ। कौन सी आकृतियाँ? सन्निहित आकृतियाँ। इसमें एक आकृति दे दी जाती है, सरल आकृति, जैसे कि ये आकृति दे दी, और फिर बाद में ऐसे कोई जटिल आकृति बता दी जाएगी, उसमें ऐसे करके ऐसे कोई होगी, फिर ऐसे ऐसे इसमें से जोड़ देंगे, फिर इसमें से ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कौन सी आकृति है। इसमें बहुत सारी आकृति दे देंगे, उसमें पता लगाना पड़ेगा कि ऐसी आकृति कौन सी आकृति में है। इसमें इसमें भी बहुत हमारा मन मस्तिष्क एकत्रित होना चाहिए, जब जब ही पता लगेगा कि इसमें आकृति कैसे है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी इसके अंदर। अगला टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण में अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द होते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द होते हैं, ये 26 अक्षर होते हैं, इनको अच्छे से कंठस्थ याद रखना होता है, अच्छे से कंठस्थ याद रखना होता है। जैसे ए से ले, इसमें दो टुकड़े होते हैं, जैसे 1 से 13 तक, मतलब ए से एम तक और एन से जेड तक, इनको अच्छे से याद करेंगे हम, ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाएंगे और वैसे भी अच्छे से रटवा देंगे, इनको याद करवा देंगे, फिर हम कोई भी प्रश्न करेंगे तो तुरंत कर देंगे, क्योंकि परीक्षा के अंदर कोई भी इतना टाइम नहीं होता है कि हम इनको लिखें, इनको फिर देखें, बार 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 देखने में बहुत टाइम खराब होता है और अपना पेपर भी रह जाता है, इसलिए हम इसे अच्छे से याद कर लेंगे, फिर बाद में इतनी दिक्कत नहीं आएगी इसको प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, सोल्व करेंगे तब तुरंत तुरंत हमें आंसर पता चल जाएगा, जब ये याद हो जाएंगे, जैसे ए का ए, एक बी का दो, सी का तीन, डी का चार, इसी प्रकार सारे याद कर लेंगे वर्णमाला परीक्षण में अंग्रेजी वर्णमाला के, फिर इनको क्रम से कैसे कैसे भी लिखना हो, कहीं भी आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इनको तुरंत याद तुरंत हल कर लेंगे, और अगर हमें याद नहीं होगा तो याद नहीं होंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद कर लेंगे 26 अक्षरों को, भाई जैसे ए का ए है, बी का कितना है, के का 11 है, 10, एम का 13 है, एन का 14 है, ऐसे सब 26, जेड का 26 है, ये सब अच्छी तरह याद कर लेंगे जब विस्तार से पढ़ेंगे जब, ठीक है। अगला टॉपिक है 17वां, व्यवस्था क्रम परीक्षण। क्या है? व्यवस्था क्रम परीक्षण। व्यवस्था क्रम परीक्षण, व्यवस्था क्रम परीक्षण में क्या है कि जैसे वस्तु हुई, व्यक्ति हुए, समूह, दिशा आदि को आदि के आधार पर किसी अन्य अनेक का निर्माण किया जाता है, कुछ भी हो, जैसे कि चिड़िया हुआ, व्यवस्था क्रम में चिड़िया हुआ,
चिड़िया के बाद में क्या हुआ, घोंसला। चिड़िया क्या बनाते हैं, घोंसला, घोंसला या घोंसले में रहती है। तो चूहा हुआ, चूहा किस में रहेगा इसका पता लगाएंगे, तो किस में रहेगा, बिल में। इसी प्रकार व्यवस्था व्यवस्थित करेंगे कि भाई कौन सा किसके बाद में क्या आ सकता है या क्या हो सकता है। जैसे कि और देख लें, जैसे गाय है, गाय क्या खाती है, घास। उसी प्रकार शेर हुआ, अब इसको व्यवस्थित करना है कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा शेर क्या खाता है, मांस। इसे व्यवस्थित करेंगे, इसी प्रकार व्यवस्थित करेंगे और अच्छे से जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे अच्छे से याद करवा देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करते रहना है। हर प्रैक्टिस सेट लिया, प्रैक्टिस करते रहना है और कुछ हम बताएँ कुछ आप करोगे तो अच्छे से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अगला टॉपिक है 18वां, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, इसमें श्रेणी में लिखा जाता है, इसको श्रेणी में लिखा जाता है। जैसे कि ऐसे बताया जाता है कि कोई भी इधर से इधर बैठा दे या किसी लाइन में लगा दे, जैसे कि बिजली घर जाते हैं, बिजली घर में बिल जमा कराते हैं तब लाइन से लगा देते हैं, तब उसमें जैसे कि हम ऐसे भी नाम कर देते हैं, लिख दे ऐसे कोई पर्ची, फिर ऐसे लाइन से लिखते हैं, तो वैसे वहाँ पर बताया जाए कि पीछे से दूसरे नंबर का आए या आगे से दूसरे नंबर का आए या बाएं से दाएं, ऐसे ऐसे सिक्वेंस में लाइन पे बिठा दें ऐसे, तो इधर से बाएं से दाएं किधर जाना है, उसके पीछे कितने नंबर पे है, ऐसे क्रम से बताना, वो उसे श्रेणी का क्रम कहा जाता है। जैसे हम विद्यार्थी जब हम क्लास में बैठते हैं तो ऐसे लाइन से बैठते हैं सीट पर, तो सर बताते हैं कि पिछली लाइन से लास्ट वाली लाइन से आगे वाला आए खड़ा हो या बाएं से दाएं नंबर का खड़ा हो, दाएं नंबर से दूसरे नंबर का खड़ा हो या दाएं व्यक्ति के बाएं कौन सा व्यक्ति है, ऐसे क्रम श्रेणी क्रम में बताया जाता है। तब तुरंत पता भी लग जाता है कि कौन कहाँ है, क्या किसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बारे में और अच्छे से हम जब विस्तार से पढ़ाएंगे या बताएंगे तब आगे बताएंगे, तब अच्छे से बताएंगे कि हर क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे बताने से भी कम समझ में आता है, हम प्रत्येक टॉपिक का जब क्वेश्चन करेंगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। इसी प्रकार 19वें नंबर का लुप्त संख्या ज्ञात करना। बहुत से संख्याएँ दे देते हैं, जैसे कि ऐसे वर्ण अंग्रेजी वर्ण वाला की, जैसे कोई शब्द दे दिए या फिर अक्षर दे दिए, क ख ग न ऐसे कुछ भी, जैसे ए ऐसे दे दिए ए बी बी, फिर आ गया ए नहीं सॉरी ऐसे दे दिए जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है आगे दे दिया ए ए बी सी डी, फिर दे दिया ए ए बी बी सी डी, ऐसे ऐसे कर दे, फिर यहाँ पे ऐसे खाली स्थान कर दिया, फिर आगे पूछ जाता है कि क्या आएगा, तब इसमें क्या आएगा कि यहाँ पे देखो ए बी सी डी आ गया, फिर डबल ए बी सी डी आ गया, फिर डबल ए डबल बी सी डी आ गया, क्या आएगा डबल ए डबल बी डबल सी और डी, फिर ऐसे क्रम से ऐसे करेंगे आगे तो फिर ऐसे आ जाएगा डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी। डबल डे इसी प्रकार, फिर जैसे यहाँ पे डबल ए हुए उसी प्रकार यहाँ पे ट्रिपल ए हो जाएगा, आगे जैसे बढ़ाता जाएंगे क्रम, जैसे कि बढ़ता जाएगा वैसे क्रम बढ़ते जाएंगे। तो जब हमें यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तब ऐसे करने, ऐसे भी आ सकता है, अक्षरों में भी ऐसे वर्ग बना दिए और यहाँ पे लिख दिया तीन, फिर तीन यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे ये लिख दिए, फिर अब आगे यहाँ पे पूछ सकता है यहाँ क्या आएगा, ये लुप्त संख्या है यहाँ पे क्या आ सकता है, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार ऐसे आ जाए वर्ग वर्त में आ जाए, ऐसे यहाँ यहाँ आ गया दो, फिर यहाँ आ गए चार, यहाँ आ गए छः, यहाँ छोड़ दिया मान लो यहाँ दस और यहाँ बारह, तो यहाँ पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा, इसे लुप्त संख्या परीक्षण कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास से हम दिशा परीक्षण
दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में विस्तार से बताएंगे, ठीक है।